subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello students. So the first question of sample paper 6 is, the molecules of water have more energy as compared to the molecules of ice at same temperature. Justify this statement. इसमें आपसे क्या बोला है कि आपको क्या बताना है, आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर के और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं आपके आइस के, उनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, मतलब वाटर की एनर्जी हमारी ज्यादा है और आइस की कम है सेम टेम्परेचर पे, ऐसा क्यों है? तो आपको पता है वाटर क्या है, एक लिक्विड है, आइस क्या है, एक सॉलिड है. तो जो लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, जिसमें हमारे स्पेसेस थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, मतलब जो इंटर पार्टिकल का स्पेस है, जो उसके पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा है किसमें, लिक्विड में, और जो आइस है उसमें कम है. तो इससे क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल्स हैं आइस के वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. जब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो मतलब क्या है, उनकी एनर्जी ज्यादा है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. यही है स्टेटमेंट का मतलब. एक बार फिर से पढ़ते हैं. वॉटर इज लिक्विड व्हाइल आइस इज सॉलिड. वॉटर लिक्विड है, आइस सॉलिड है. Particles of liquids are weakly attracted as inter-particle distance is large, whereas particles of solids are strongly attracted as the inter-particle distance between them is very small. यही बोला ना कि जो हमारा water है, water में inter-particle distance जो है वो ज्यादा है, मतलब वो दूर दूर है particles, और solid में वो distance कम है. इसलिए inter-particle distance is large in case of liquids, they are free to move. इस वजह से जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं विद ग्रेटर एनर्जी देन दैट ऑफ द सॉलिड. ठीक है, इसलिए जो उसकी एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है लिक्विड की, किसके कंपेयर में, सॉलिड की, मतलब वाटर की जो एनर्जी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आइस. क्यों? क्योंकि वाटर में हमारा पार्टिकल में स्पेस ज्यादा है, इसलिए वो इजिली मूव कर सकते हैं. ओके.